गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे लखनऊ से आए भाई मोहम्मद सोहेब जी, मोहम्मद इरफान जी और हमारे इमाम साहब, मंच पर बैठे मेरे भाई, प्यारे प्यारी बच्चियाँ, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज पता है सब है कि हम आज 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा और मदरसे में प्रोग्राम है। बहुत खुशी की बात है, आज बड़े फख्र से हम ये कह सकते हैं, ये जो लोग जिस तरह की बातें करते हैं ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस देखो कितने प्यार से, मुझे नहीं लगता गांव में इतने स्कूल, इतने विद्यालय, प्राइवेट भी सरकारी भी, किसी भी स्कूल में ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हमारे इमाम साहब, सभी साथियों की वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल इसी तरह से, इससे भी अच्छा प्रोग्राम मदरसे में किया जाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। पिछले साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन इस बार तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव के साथियों का। मैं इस साल मदरसे में जितना भी काम है, चाहे वो फरस का हो, इंटरलॉक टाइल्स लगनी हो या कोई भी काम हो, मैं इस साल इसी वर्ष में अगली 26 जनवरी से पहले मैं सारे काम को करा दूंगा और मेरे लायक कोई सेवा होगी मैं आपके लिए सब कर कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। खाई पैदा करना चाहते हैं और हमारे बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं, नफरत की, भेदभाव की और तासुब की। ये प्रोग्राम बतला रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की जो जमीन है, जमीनी सतह ऐसी नहीं है, बल्कि हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, एक दूसरे के खुशी और गम में शिरकत करके ये पैगाम देते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान सभी का एक, सभी एक तरह के होते हैं। किसी इंसान के अंदर खून पीला और काला नहीं होता, सबका लाल होता है। सबकी फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत रखी है और मोहब्बत का ये उदाहरण और मोहब्बत का ये पैगाम और ये मैसेज है जो अभी हमारे सामने पेश किया गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रधान जी का कि वो आए और उन्होंने हमारा साथ दिया है।